दोस्तों जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है, अर्थात संघर्ष ही जीवन है। इस सृष्टि में छोटे से छोटे प्राणी से लेकर बड़े से बड़े प्राणी तक सभी किसी न किसी रूप में संघर्षरत हैं। जिसने संघर्ष करना छोड़ दिया दोस्तों, वह मृतप्राय हो गया। जीवन में संघर्ष है प्रकृति के साथ, स्वयं के साथ, परिस्थितियों के साथ। तरह तरह के संघर्षों का सामना आए दिन हम सबको करना पड़ता है और इनसे जूझना पड़ता है। जो इन संघर्षों का सामना करने से कतराते हैं, वे जीवन से भी हार जाते हैं, जीवन भी उनका साथ नहीं देता। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं ज्ञान मंथन। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीवन में होने वाले संघर्ष के बारे में। दोस्तों आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे कि जीवन में संघर्ष कितना जरूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सफलता व कामयाबी की चाहत तो सभी करते हैं, लेकिन उस सफलता को पाने के लिए किए जाने वाले संघर्षों से लोग कतराते हैं। मिलने वाली सफलता सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन उस सफलता की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले संघर्ष को कोई नहीं देखता, ना ही उसकी ओर कोई आकर्षित होता है। दोस्तों जबकि सफलता तक पहुंचने की वास्तविक कड़ी वह संघर्ष ही है। हम जिन व्यक्तियों को सफलता की ऊंचाइयों पर देखते हैं, उनका भूतकाल अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो हम सबको जानने को मिलेगा कि उनकी यह सफलता जीवन के साथ बहुत संघर्ष से प्राप्त हुई है। दोस्तों जब हम संघर्ष करते हैं, तभी हमें अपने बल व सामर्थ्य का पता चलता है। दोस्तों संघर्ष करने से ही हम सबको आगे बढ़ने का हौसला, आत्मविश्वास मिलता है और अंततः हम अपनी मंजिल को हासिल कर लेते हैं। चलिए आपको इसका उदाहरण एक कहानी से समझाते हैं। दोस्तों एक बार एक बच्चे को अपने बगीचे में किसी टहनी से लटकता हुआ एक तितली का कोकून दिखाई पड़ा। वह प्रतिदिन उस कोकून को देखने लगा। एक दिन उसने ध्यान दिया तो पता चला कि उस कोकून में एक छोटा सा छेद बन गया है। उस दिन वह वहीं बैठ गया और घंटों उसे देखता रहा। उसने देखा कि एक तितली उस खोल से बाहर निकलने का बहुत कोशिश कर रही है, परंतु बहुत प्रयास करने के बाद वह उस छेद से नहीं निकल पा रही है। और फिर वह बिल्कुल शांत हो गई, मानो उसने अपने प्रयासों से हार मान ली हो। दोस्तों उस बच्चे ने उस समय निश्चय किया कि वह उस तितली की मदद करेगा। उसने एक कैंची उठाई और तितली के बाहर निकलने के रास्ते को कोकून के मुख को काट इतना बड़ा कर दिया कि वह तितली आसानी से बाहर निकल सके। और यही हुआ, वह तितली बिना किसी संघर्ष के आसानी से बाहर निकल आई। पर अब उसका शरीर सूजा हुआ था और पंख सूखे हुए थे। वह बच्चा अब तितली को यह सोचकर लगातार देखता रहा कि वह किसी भी वक्त अपने पंख फैलाकर उड़ने लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि दोस्तों हुआ इसके विपरीत, वह तितली कभी उड़ नहीं पाई और उसने अपनी बाकी जिंदगी इधर उधर घिसटते हुए बिताई। और दोस्तों अब बात करते हैं मोरल ऑफ बटरफ्लाई स्ट्रगल स्टोरी, अर्थात इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा के बारे में। दोस्तों वह छोटा बच्चा अपने दया भाव में यह नहीं समझ पाया कि दरअसल कोकून से तितली से बाहर निकलने की प्रक्रिया को प्राकृतिक ने इतना कठिन इसलिए बनाया है ताकि उसके ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल पदार्थ उसके पंखों में पहुंच सके और वह छेद से बाहर निकलते ही उड़ सके। वास्तव में दोस्तों हमारे जीवन में भी संघर्ष ही वह चीज है जिसकी हमें सचमुच आवश्यकता होती है। यही हमें निखारता है और हर पल हम लोगों को अधिक शक्तिशाली, अनुभवी बनाता है। यदि हमें भी बिना संघर्ष के ही सब कुछ मिलने लगे, तो ना ही हम उसकी कीमत समझेंगे और ना ही हम विकसित हो पाएंगे, बल्कि अपंग ही रह जाएंगे। इसलिए जीवन में संघर्ष अर्थात स्ट्रगल को खुले दिल से स्वीकारना और अपनाना चाहिए। तो ये था दोस्तों जीवन में होने वाले संघर्ष के बारे में हमारे द्वारा पेश की गई एक छोटी सी वीडियो। और दोस्तों चलते चलते एक ज्ञान की बात। दोस्तों आप जो करने से डरते हैं, उसे करिए और करते रहिए। अपने डर पर विजय पाने का यही सबसे पक्का और तेज तरीका है जो आज तक खोजा गया है। तो आशा करते हैं आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञान और धर्म से जुड़े हुए वीडियो लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल ज्ञान मंथन के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। और सब मिलकर कहेंगे जय हिंद।